तो सूरज देवता थोड़ा सा निकला हुआ है अभी, और आते ही अलार्म बज गया। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि सूरज देवता अभी थोड़ा निकला हुआ है, सुबह के बज रहे अभी 8, और मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। मेरा बैग रेडी हो चुका है यहाँ पे, एंड जब पैकिंग होता है इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मानस नेशनल पार्क। यहाँ से गुवाहाटी से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स है, एंड एक फैमिली ट्रिप है। एक फैमिली ट्रिप में हम लोग जा रहे हैं मानस। क्या हम लोग एक रिसोर्ट बुक किए वहाँ, मूसा जंगल रिसोर्ट। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत एक्साइट, बिकॉज मैं ऐसा रोड ट्रिप्स में जाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने तो अपना इंट्रो दिया ही नहीं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलिए वीडियो आरंभ करूँ। हम तो गाड़ी में सब कुछ लोड कर चुका हूँ, आई एम ऑल रेडी। नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर द कॉल, मेरा मामा का कॉल का वेट कर रहे हैं, वो कॉल करेंगे, हम लोग घर से बाहर चले जाएंगे। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शाओलिन में, तो वी आर स्टार्टिंग द राइड एंड वी हैव मामा जर्नी। सो जॉइन अस, वी आर गोइंग टू मूसा जंगल रिसोर्ट नाउ एंड लेट्स गो। सो आवर राइड हैज जस्ट बिगन एंड इट्स अ प्लेजेंट डे, द सन हैज रिजन एंड इट्स नॉट दैट कोल्ड नाउ। I was expecting the weather to be a little gloomy, but thankfully it's quite a pleasant weather. So the drive is gonna be a really wonderful drive. So enjoy the ride. Yeah, so I thought So you were saying? Yeah, like it was quite gloomy for past 10 days, and luckily since yesterday the clouds have cleared and the sun is shining now. Hopefully we'll have a good ride and enjoy the resort there, and hopefully we'll be able to see some birds and animals at Manas Resort, Manas Wildlife Sanctuary. হিমা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু তোৰ মানস যোৱা নাই নাই বা ইউ উইল সি লটছ অফ এনিমেলছ আউট দেৰ। মা হাই, কেনেকুৱা লাগিছে? একদম ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত যে ওলাইছো দৈ। তোৰ গাতে ৰ'দটো পৰিছে, ভাল লাগিছে না? বঢ়িয়া। तो अभी बहुत जाम है यहाँ पे, करेंटली फंसे हुए। टाइम हो रहा है 9:47, गूगल मैप्स बता रहा है 3 घंटे में पहुँचेंगे। हम लोग का जो रिसोर्ट है मूसा जंगल रिसोर्ट, वहाँ पे हम लोग बुक किए थे, तो और 1 घंटे के बाद हम लोग कुछ चाय नाश्ता पानी पियेंगे, खाएंगे। तो टिल देन देखते हैं आगे क्या क्या एडवेंचर्स मिलते हैं हम लोग को। We are crossing the mighty Brahmaputra river. This is the new bridge which they have constructed, and towards the right hand side you can see the old bridge. I like the old bridge better because it has those iron design. The design is an antique type of design and looks awesome. It
You can see the weather is foggy out here. So much of fog out there. You can't even see the river actually. Enjoying the ride. Dad, what's the kilometer of this bridge? You know? Almost 1 kilometer. Almost 1 kilometer length. And it always feels nice to drive on this bridge. So once we cross this bridge, that means we have left Guwahati. Or we'll be arriving north Guwahati. We'll be arriving north Guwahati. So we reached the toll gate now, toll plaza. We don't have fast tag, so let's see the rate. What's the rate? I guess it will be double if you don't have fast tag. Kiman? 105. 105 taka. 109. Nai. Fast tag hole kiman hoy? Fast tag to raha nai niki? Kiman ho fast tag hole? Fast tag hole 105 karibo. 105 na. ₹105 लेता है यहाँ पे और मुझे लगा था कि फास्ट टैग रहने से थोड़ा सस्ता होगा लेकिन नहीं द रेट इज सेम तो हम लोग यहाँ रुके हैं रोंगिया पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हो चुका है हम लोग का तो यहाँ पे एक कैफे है 05 कैफे तो चाय वाय पियेंगे थोड़ा स्ट्रेच करें तो ड्राइव करके बहुत अच्छा लग रहा है यार तो बाकी के सब भी अभी है यहाँ पे रुके हुए ना की तो चिप्स खाबी हाय हेलो हेलो हाय 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 हाउ इज द ट्रिप गोइंग इट्स वेरी नाइस हर लाइस ना यार तो लाइस यार तो लाइस सहारो तो खावा नहीं की बिस्कुट Cut luggage chips. हम लोग अभी नीचे इस खेत पूरा खुला खुला मैदान में हम लोग फोटो सेशन किए यहाँ पे मज़ा आ गया बहुत सारे फोटोज खींचे लुक एट द व्यू इट्स ऑसम कार्स वहाँ पे खड़ा हुआ है एंड दिस इज द व्यू फाइनली पहुंच चुके हैं मूसा जंगल रिसोर्ट ये एंट्रेंस है इसका सो इट्स 1:30 हम लोग स्टार्ट किए थे अराउंड 9:30 को तो ऑलमोस्ट 4 घंटा जैसा लग गया हम लोग को पहुँचने में सो द एम्बियंस आउट हियर इज़ वेरी नाइस वैसे यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पार्क टाइप का भी है यहाँ पे
वी कैन कम एंड कर सकते हैं यहाँ पे कुछ खेल कूद, वी कैन वॉक अराउंड। तो देखते हैं अभी, पर मैं वहाँ पे आर्ट पार्ट भी है ऊपर। तो किन को लेके आई पहले? हाल है? हाल लेके से? हाँ लेके से ना? हाल लेके से? तू किन को लेके से? हाल कौसे? हाँ जुबी तो कोई बा कोई सु तुम पर सुकुट है इसको। There's a waiting area out here and it looks good. यहाँ पे पूरा एक आर्ट क्राफ्ट बना हुआ है, यहाँ पे पूरा लंबा सा। ओह देयर आर कॉटेजेस आल्सो आउट देयर। यहाँ पे एक पूरा वॉकवे है, यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं शाम को। नाइस नाइस। So this is a wonderful room we got. Double bedroom है, लेकिन मेरे लिए एक mattress नीचे बिछा देंगे। अभी बहुत भूख लग रहा है, हम लोग को जाना होगा लंच के लिए। बाकी रूम तो मैं बाद में दे दूंगा, अभी हम लोग यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। कैसा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसा है? दिस इज रियली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वी वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली, एंड देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर नाउ। एग्जैक्टली, नाउ लेट्स गो एंड हैव सम फूड। डाइनिंग एरिया आउट हियर, हम लोग खा सकते हैं। स्पेशियस, इट्स क्वाइट स्पेशियस एंड इट्स वेरी एयरी। The food was excellent. I love the food. The taste was awesome, especially chicken curry. The curry was awesome. The rice was dal and sabji. Also the paneer. Just awesome. So out of 10, 8.5 for the food.
खाना वाना खा लिया पूरा मस्त पेट भर के. खाना एक्सेलेंट था. आउट ऑफ 10 आउट गिव 8.5. एंड द रिसोर्ट इज ऑसम. बहुत बड़ा वास्ट एरिया है. मेरे पीछे आप देख सकते हो इट्स लाइक ओपन. इट्स टोटली ओपन. टी गार्डन्स है वहाँ पे. तो सनसेट यहाँ से बहुत अच्छा एक आएगा. मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से एक सनसेट लेने के लिए. बट इट्स ऑसम. अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो रूम है. अच्छे से दिखाते हैं. सो दिस इज आवर रूम. ये एंट्रेंस है. यहाँ पे ऐसे तीन रूम्स है. मैं, पापा, मम्मी यहाँ पे रहेंगे. नानी और हिमा या फिर गीत यहाँ पे रहेगा. मामा मामी वहाँ पे रहेंगे. फिर ये ऐसे एंटर करते हैं. ये रूम नंबर 203 है. ऐसे एंटर किए तो दिस इज द रूम. ये डबल बेड है यहाँ पे. यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स है. लाइट है. लाइटिंग वाइटिंग अच्छा है. तो मैं द मेन USP जो है ना इस पूरे रूम का, ये बरामदा है. एक्चुअली आप लोग को दिखाता हूँ. ये बरामदा यहाँ से ऐसे खुलता है एंड व्हेन यू ओपन इट यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर. यहाँ पे दो चेयर्स है. यहाँ कैन हैव अ कप ऑफ टी एंड यू कैन जस्ट सिट एंड एन्जॉय दिस व्यू. एन्जॉइंग दिस लाइफ मैन. एन्जॉइंग दिस लाइफ. कभी कभी ज़रूरत पड़ता है. मतलब फ्रॉम द हैक्टिक सिटी लाइफ यू नीड टू कम टू दिस वंडरफुल प्लेस एंड या एन्जॉय. अभी नेक्स्ट में जाते हैं अंदर बाथरूम की ओर. ना जो बाथरूम है यहाँ पे मिरर है. मिरर देख सकते हैं यहाँ पे. दैट्स मी. प्लस ये बाथरूम है. इट्स नाइस. इट्स अ बिग बाथरूम. क्वाइट अ बिग बाथरूम. यहाँ पे ऐसा है वॉश बेसिन, टॉयलेट्स सैनिटाइज्ड फॉर योर प्रोटेक्शन. दैट्स इम्पॉर्टेंट. टॉवल अवल सब है. यहाँ पे एक लाइट है. तो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट. ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो दिस इज मानस नेशनल पार्क. यहाँ पे हाई वोल्टेज फेंसिंग है तो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे. मन था क्रॉस करने का लेकिन अफसोस. इसको भी मन था लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएंगे. सो वाइल वी आर स्ट्रोलिंग वी केम अक्रॉस अ बेबी एलिफेंट. ये वाला जो ट्री है मेरे ऊपर में, जो ये ट्री आप लोग दिखाई दे रहा है, लाइक दिस ट्री हैज मैनी बर्ड्स ऑन टॉप ऑफ मी. लाइक एक मस्त कैनोपी टाइप का बन गया ये. एंड इट फील्स ऑसम. रियली फील्स ऑसम टू लाइक सिट हियर एंड जस्ट एन्जॉय नेचर. आई डोंट नो इफ द माइक इन दिस कैमरा कैन
can record the sound of this birds chirping, but still it's a really peaceful and serene view out here. Mm-hmm. Yeah. No, Babu, stay. You have made a pep. What's the name? Blackie. Bye, Lord. Good job.